सकते हैं कि एक और एट्रीब्यूट आ गया है आउटलायर का, वो ट्रू है और फॉल्स है. अब हम देखें तो कम ही ऐसे पॉइंट्स थे जो ग्रुप में नहीं थे, अलग स्कैटर थे, तो ऑब्वियसली सिर्फ वो आउटलायर्स थे हमारे पास, और बाकी सारे जो थे वो आपस में एक रिलेशन थी, वो आउटलायर्स नहीं थे कि ग्रुप के थे तो उन्होंने आपस में क्लस्टर बनाया था. ठीक है, तो जो क्लस्टर आपस में बने हुए थे हम कहते हैं ये सिमिलर ग्रुप्स हैं, ये डेटा सेट्स हैं, वो सेम सेम है, पॉइंट्स हैं वो सिमिलर हैं, रिलेशन है उनके बीच में, और जो नहीं है वो आउटलायर थे हमारे बीच में. अच्छा, अगर तो हमने आउटलायर रिमूव करनी है अपने डेटा सेट से, तो वही ऑपरेटर जो हमारे पास है फिल्टर का ऑपरेटर, हमारे पास आउटलायर अभी नया एट्रीब्यूट बना था. आउटलायर अब हमारे पास, हमें आउटलायर हटाने हैं तो आउटलायर जो ट्रू होंगे वो हमें रिमूव करना है. आज क्लस्टरिंग थी आज के, मैंने 100 के लिए चलाया लेकिन दो आउटलायर्स भी आ रहे हैं 200 तक. बेसिकली क्लस्टर डिटेक्शन होती है वो के मीन क्लस्टरिंग से होती है, ये नॉन सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम ही होता है बेसिकली, इसलिए नहीं आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में मोस्ट प्रॉब्ली होगा. इसमें होता ये है कि हमारे पास ये तब यूज होता है जब आप कहते हो कि हमारे पास कोई लेबल मौजूद नहीं है, सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमने डेटा को तब कलेक्ट करना है आपस,
तो हम क्या करते हैं, हम एक डिफॉल्ट वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्लस्टर जो है हमारे पास हमने 10 किया है तो है 10 पॉइंट्स एक क्लस्टर में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनिशियली स्टार्ट इस तरह होता है कि हर पॉइंट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, जो मिनिमम 10 क्लोजेस्ट होंगे ना वो आपस में एक क्लस्टर बना, फिर हम देखेंगे। अच्छा, और ये फिर आप अपने नंबर ऑफ स्टेप्स भी देते हैं, आप कितनी दफ़ा करना चाह रहे हो, 5 दफ़ा करना चाह रहे हो, 2 दफ़ा करना चाह रहे हो, या आप कह रहे थे कि जब तक मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 क्लस्टर नहीं बनते जब तक ये होता है, फिर होता ये है कि आपका फिर सेंटर पॉइंट हर दफ़ा चेंज होता है। आप इनिशियली रैंडम 5 पॉइंट्स चूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 किए हैं यहाँ पे, तो रैंडम 10 पॉइंट्स चूज़ हुए, उसने कहा ये मिड पॉइंट्स हैं आपके हमारे क्लस्टर्स के, बाकी सारे पॉइंट्स होंगे ना हमारे डेटा से, वो उन दस पॉइंट्स के साथ जो है ना यूक्लिडियन डिस्टेंस अपना कैलकुलेट करें, ठीक है। अब देखेंगे उस क्लस्टर में कितनी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो ये जो सकते हैं कि जो और वैल्यूज आ रही है वो एक क्लस्टर में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक विजुलाइज अगर किया हो, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, क्लस्टरिंग का थोड़ा सा इससे समझ में आया कि मैं अभी आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस करके बता रही हूँ। क्लस्टर आपका चेंज होता रहता है, क्लस्टर्स तीन तो हैं अब आपके। अभी हम देखें, अभी हम ये रिज्यूम कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन ये हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये तीन तो क्लस्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पे डिफॉल्ट दे दी है 10, ठीक है ना। तो हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि 10 क्लस्टर्स बन सकते हैं हमारे पास। अब वो किस तरह होता है, जब इनिशियली ऐसे ये एल्गोरिथम इतना स्टार्ट होता है, वो 10 रैंडम पॉइंट्स ले लेता है हमारे पास इस पूरे एग्जाम्पल, ठीक है। 10 उसने पॉइंट्स ले लिए, अब ये कह दिया कि ये जो हमारे हैं ना, ये हमारे क्लस्टर्स के मिड पॉइंट हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो क्या करेगा, हर पॉइंट का उन क्लस्टर्स के साथ जो है ना, वो डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करता रहता है, ठीक है। क्लस्टर आपके पास बन जाता है, मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो उसके साथ जाके क्लस्टर में रह जाएगा। तो ये करते हैं, फिर वो उन क्लस्टर्स के साथ दोबारा मिड पॉइंट जो है वो दोबारा कैलकुलेट होता है। वो अगर हम कह रहे हैं कि क्लस्टर है, लेकिन है भी ऐसा कि नहीं है, फिर एवरेज ली जाती है हर क्लस्टर की, ठीक है। जो एवरेज निकलती है फिर वो हमारा मिड पॉइंट हो जाता है, फिर हम दोबारा ये सारा पूरा साइकिल चलता रहता है। ये कल अनसुपरवाइज रनिंग जब एल्गोरिथम करेंगे ना, तो उसके अंदर साइज समझ नहीं। अच्छा, दो वैल्यूज लगा के देखें, डिटेक्ट आउट आया है, 10 की जगह आप लगाएं एक बार 1250 और फिर 1260 का, दोनों का रिजल्ट चला के देखें, फिर हमें एक क्लस्टर मिलता है। 12 10 की जगह पहले 1250 लगाए, फिर 1265 लगाए, दो रिजल्ट्स निकल गए। टोटल रिकॉर्ड्स, हाँ, तो 1250 तो 1310 से कम है। तो फिर क्या हो, आप निकाल रहे हो, बात सही है, सारा डेटा निकाल रहे हैं। तो फिर क्या रिजल्ट आता, कुछ नहीं हुआ, मैंने 3-4 बार जो है ऊपर वाला था ना, वो सिर्फ अलग रह गया, पर इसके
साथ सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, बाकी सबके साथ उसका डिस्टेंस कम आ रहा है, तो उसने एज अ क्लस्टर एक क्लस्टर में ये सारे पॉइंट्स कर दिए और उसको आउट डायरेक्ट। अच्छा डेटा अभी भी वो सारा ही आ रहा है जो 10 के साथ आया था, डेटा अभी वही है। विजुलाइजेशन में वो क्लब कर रहा है क्योंकि हमने डिस्टेंस बेंचमार्क ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा ठीक है, यानी वो नंबर ऑफ आउटलायर्स जो है वो बेस्ड ऑन डिस्टेंस है, वो 10 का मतलब डिस्टेंस एक यूनिट, और वो यूनिट हमने बढ़ा दिया। अभी आप देखेंगे ना फिल्टर में तो हमने गूगल मैप को आप जूम आउट करके देखें और जूम इन करके देखें तो आपके मोबाइल स्क्रीन है वो तो उतनी रहेगी, जूम इन जूम आउट लेकिन वो आपको रिलेटिव स्केल पे दिखाता है प्लॉटिंग जो है। तो ये आज के इतने ही स्टेप्स थे ईडीए के, ये जो है सारा डेटा हमारे पास, ये सिर्फ आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए, आउटलायर हमने रिमूव कर दिए। आउटलायर क्यों रिमूव करना जरूरी है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1300 में से 5-6 आउटलायर हम रिमूव करें। ट्रेनिंग में हमें वो हेल्प करता है कि अब हम ट्रेनिंग हो रही है वो हमारे पास एल्गोरिथम्स जो हैं वो बनाना चाह रहे हैं, हाइपोथेसिस बनाना चाह रहे हैं या कोई ग्रेटर देन लेस देन का करके ब्रांचिंग करना चाह रहे हैं। आउटलायर जो है ना वो आपको फॉर एग्जाम्पल अब डिसीजन ट्रीज तक नहीं करते हैं, आपको जो है ना वो हाइपोथेसिस को जो है ना वो आपको मतलब डेटा कह लो कि वो आपको प्रोड्यूस कर रहे हो। एनामली होती है ना आउटलायर बेसिकली, वन एंड अब जो कोई एक चांस होता है कि 100 में से एक वैल्यू इस तरह करेंगे तो वो आपके जो एंड रिजल्ट है ना वो आपको जो है ना वो ख़राब कर देता है जब टेस्टिंग के टाइम पर जो ठीक है। तो उस टाइम पर जो है ना वो हमें आउटलायर जो है ना वो हमारा ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो है ना मॉडल को ख़राब कर देता है, इसमें आउटलायर को यूज़ करना है इम्पोर्टेंट। बेसिकली एक पॉइंट और भी है जो वाई एक्सिस पे स्केल है ना वो आप जरा कंपेयर करें, जो 10 के साथ स्केल है वो और है और जो इस बड़ी फिगर के साथ नंबर ऑफ ऑर्डर है वाई एक्सिस पे स्केल भी है, मतलब ये 0 पॉइंट मतलब मैं समझा रहा हूँ जो विजुलाइजेशन में प्लॉट दिखा रहा है ना वो वाई एक्सिस के स्केल के दिखा रहा है। तो अगर आपकी नंबर ऑफ आउटलायर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपका वाई एक्सिस का स्केल उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी वाई एक्सिस उतना छोटा होगा। एक टास्क आप लोग ट्रांजेक्शन का डेटा सेट था
ट्रांजेक्शन का डेटा सेट है ना हमारे मतलब इसके जो आउटलायर होते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर जो आउटलायर होंगे वो बेसिकली हमारे पास फ्रॉड डिटेक्शन के लिए सिनेरियो आ सकता है. उसमें हमें चाहिए होगा तो हम फिल्टर लगाएंगे उसमें वो चेंज होगा. That's all for today. Okay.
BS equal way.
स्पेस एक स्पेस करके कोई और एक और एक और
एक ऑपरेटर लगेगा, एक ऑपरेटर और आपका सारा हो जाएगा।